और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर सीहोर से जहां आ रही है, जहां मंत्री आरिफ अकील ने शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिर्फ बुधनी में हीरो है। जी हां, शिवराज सिर्फ बुधनी में ही हीरो है, बाकी जगह जीरो है। ये कहा है मंत्री आरिफ अकील ने शिवराज सिंह चौहान पर। ये बड़ा हमला उन्होंने किया है। शिवराज ने बुधनी के लिए कुछ नहीं किया, प्रदेश के लिए क्या करेंगे। जी हां, मंत्री आरिफ अकील ने ये हमला बोला है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर। तो सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, शिवराज सिर्फ बुधनी में हीरो, बाकी जगह जीरो। ये कहा है मंत्री आरिफ अकील ने, शिवराज ने बुधनी के लिए कुछ नहीं किया, प्रदेश के लिए क्या करेंगे। शिवराज पर मंत्री आरिफ अकील का बड़ा बयान इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सीहोर से ये खबर है जहां पर शिवराज सिंह चौहान पर मंत्री आरिफ अकील ने हमला बोला है। आरिफ अकील का ये बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि शिवराज सिर्फ बुधनी में हीरो है, बाकी जगह जीरो है। शिवराज ने बुधनी के लिए कुछ नहीं किया तो फिर वो प्रदेश के लिए क्या कुछ कर लेंगे। तो आपको बता दें एक बार फिर कांग्रेस ने हमला बोला है बीजेपी पर। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है मंत्री आरिफ अकील ने। और ये भी कहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी के लिए कुछ नहीं किया तो वो क्या कुछ कर लेंगे, प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए क्या कर लेंगे। शिवराज सिर्फ बुधनी में ही हीरो है। जी हाँ, शिवराज सिर्फ बुधनी में ही हीरो है, बाकी जगह जीरो है। ये कहा है आरिफ अकील ने, मंत्री आरिफ अकील का ये बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं। सीहोर से एक खबर है जहां उन्होंने हमला बोला है सीधे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर। मंत्री आरिफ अकील ने हमला बोला है और कहा है कि शिवराज सिर्फ बुधनी में ही हीरो है, बाकी जगह वो जीरो है। शिवराज ने आज तक बुधनी की जनता के लिए कुछ नहीं किया है तो वो प्रदेश की जनता के लिए क्या कर लेगी। ये एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न और एक बड़ा कटाक्ष, इसे हम कह सकते हैं, जो मंत्री आरिफ अकील ने शिवराज सिंह चौहान पर किया है। तो वक्त की खबर, बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सीहोर से ये खबर है जहां शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा गया है और ये तंज कसा है मंत्री आरिफ अकील ने। उन्होंने कहा है कि शिवराज सिर्फ बुधनी में ही हीरो है, बाकी जगह जीरो है। शिवराज पर मंत्री आरिफ अकील का ये बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शिवराज सिर्फ बुधनी में हीरो, बाकी जगह जीरो है। शिवराज ने बुधनी के लिए कुछ नहीं किया। जी हाँ, आरिफ अकील ने कहा है कि शिवराज ने बुधनी के लिए कुछ नहीं किया तो वो प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ कर लेंगे। ये बड़ा बयान मंत्री आरिफ अकील ने दिया है, कटाक्ष किया है, हमला बोला है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर। तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बयान ये है आरिफ अकील का। उन्होंने कहा है कि शिवराज सिर्फ अपने ही क्षेत्र में बुधनी में ही हीरो है, बाकी जगह वो कुछ नहीं है, जीरो है। शिवराज ने बुधनी की जनता के लिए भी कुछ नहीं किया तो वो प्रदेश की जनता के लिए क्या कर लेंगे। शिवराज सिर्फ बुधनी में ही हीरो है, बाकी जगह जीरो है। ये कहा है मंत्री आरिफ अकील ने। ये तंज कसा है पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर। तो इस वक्त की खबर हम आपको दे रहे हैं, सीहोर से ये बयान है मंत्री आरिफ अकील का। उन्होंने शिवराज पर, शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है और कहा है कि शिवराज सिर्फ बुधनी में ही हीरो है, बाकी जगह जीरो है। शिवराज ने बुधनी के लिए कुछ नहीं किया। जी हां, शिवराज ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी बुधनी के लिए कुछ नहीं किया तो वो प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए क्या कर लेंगे। ये बयान है, ये कटाक्ष है, ये तंज है मंत्री आरिफ अकील का।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुलदीप जी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, क्या कुछ ये बड़ा मामला था जिसके दौरान आरिफ अकील ने शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है और कहा है कि शिवराज सिर्फ बुधनी में ही हीरो है, बाकी जगह जीरो है? नेहा, जैसा कि मालूम है कि 8 तारीख को भोपाल में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी को लेकर के प्रभारी मंत्री सीओर के आरिफ अकील जी पिछले 3 दिन से सीओर के प्रवास पर लगातार विभिन्न क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं। वो तो आज वो इछावर, नसरुल्लागंज और आस्था क्षेत्र के दौरे पर थे, तो नसरुल्लागंज में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने के बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान अचानक ही एक बड़ा बयान दिया है कि जो शिवराज सिंह चौहान है जगह जगह जाकर के बोल रहे हैं कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ वो मेरा हीरो जैसा स्वागत हो रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान केवल बुधनी में हीरो है, बाकी मध्य प्रदेश में जीरो है, कहीं कोई बात नहीं है। और मुख्यमंत्री रहते हुए वो अपने बुधनी क्षेत्र का विकास नहीं कर सके तो पूरे मध्य प्रदेश का उनसे क्या उम्मीद हो सकती है? मतलब उन्होंने पूरी तरह आरिफ अकील ने शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनको जियो शामिल करने के लिए बोला है उन्होंने, और ये बड़ा बयान दिया है कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीरो है जी। एक और ये कह रहे हैं कि शिवराज सिर्फ बुधनी में ही हीरो है, बाकी जगह जीरो, और दूसरी जगह ये भी कहा है कि शिवराज ने बुधनी के लिए कुछ नहीं किया तो प्रदेश के लिए क्या कर लेंगे। मतलब एक और हम ये कह रहे हैं कि बुधनी के लिए भी कुछ नहीं किया और ये भी कह रहे हैं कि शिवराज सिर्फ बुधनी में ही हीरो है, तो ये क्या उनका बयान था? ये उन्होंने ये इस परिप्रेक्ष्य में बोला था कि बुधनी के में जब वो आते हैं तो उनका बुधनी में ठीक ठाक स्वागत होता है और लोगों की भीड़ जुट जाती है क्योंकि वो लोकल के रहने वाले हैं, इस वजह से वो बुधनी में हीरो हो सकते हैं। बट उन्होंने बुधनी के डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात करें तो बुधनी का जिस तरीके का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। सड़कों की हालत ठीक नहीं है, पानी भी कहीं ना कहीं लोगों को पर्याप्त पीने के लिए नहीं मिल रहा है, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो वो भी स्थिति नहीं है। तो डेवलपमेंट से जोड़ करके उन्होंने कहा है कि बुधनी के लिए भी कुछ नहीं कर पाए, और जो कहा है कि बुधनी में केवल हीरो, वो इस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि बुधनी में जब शिवराज सिंह आते हैं तो वहाँ के लोकल के रहने वाले तो काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इस संबंध में उन्होंने ये दो अलग अलग तरह की बातें की है, बट उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा है कि शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जो बताने की कोशिश की है कि फेलुअर मुख्यमंत्री के रूप में साबित हुए 15 साल में, वो मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर पाए। कुलदीप जी, आप वहां मौजूद थे, आपने पूरा बयान सुना, कितनी सत्यता इसमें नजर आ रही है जो आरिफ अकील ने बयान दिया है, सीधे सीधे कटाक्ष किया, तंज कसा है पूर्व मुख्यमंत्री पर, कितनी सत्यता इसमें आपको नजर आ रही है? एक अगर डेवलपमेंट के बारे में अगर ये बात करें अपन के सीहोर जिले का, अब देखें अपन पूरे का, तो सीहोर जिले में 4 विधानसभा आती है, सीहोर है, इछावर है, आस्था है और बुधनी है, जहाँ से शिवराज सिंह जी खुद 3 बार मुख्य विधायक चुने गए और मुख्यमंत्री बने और वो देव गांव के वहीं के रहने वाले हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट के क्षेत्र में अगर अपन बात करें तो बुधनी नहीं, पूरे जिले का ही जितना विकास की जहाँ पे संभावना है, जैसे कि अपना सीहोर जो है वो भोपाल और इंदौर के बीच में है तो यहाँ डेवलपमेंट की काफी संभावना है, औद्योगिक क्षेत्र काफी डेवलप किया जा सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अगर इस डेवलपमेंट के मामले में देखा जाए तो जैसे कि लगातार 15 साल तक सीहोर जिले से मुख्यमंत्री रहा और जितनी ऊंचाई पर सीहोर जा सकता था उतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाया, तो कहीं ना कहीं आरिफ अकील साहब जो प्रभारी मंत्री है उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं उस बात की तरफ इशारा करता है कि सीहोर जिले का विकास इतना होना चाहिए जितना नहीं हो पाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी इस तमाम जानकारी के। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीहोर से दे रहे हैं जहां मंत्री आरिफ अकील ने तंज कसा है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर। उन्होंने कहा है कि शिवराज सिर्फ बुधनी में ही हीरो है और बाकी जगह जीरो है। शिवराज ने बुधनी की जनता के लिए भी कुछ नहीं किया तो वो प्रदेश की जनता के लिए क्या कर लेंगे, ये बयान उन्होंने दिया है।